जब भी टैक्स पे करना होता है 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च, तो कैसे आप एडवांस टैक्स जमा करवा रहे हो? गट फीलिंग के ऊपर, एस्टिमेट बेसिस के ऊपर, आइडिया लगा के? लास्ट ईयर क्या जमा कराया था? नहीं, आप ना शुरू कर दो यूज करना एडवांस टैक्स कैलकुलेटर शीट, बनानी शुरू कर दो, जिसके अंदर मिनिमम 3 ईयर का डाटा आपके पास अवेलेबल है और इस साल की प्लानिंग आपके पास अवेलेबल है। पिछले क्वार्टर में कितना टैक्स जमा कराया था, अभी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या प्रॉफिट आ रहा है और 31 मार्च तक की प्रोजेक्शंस क्या है, इन फिगर्स को डाल के आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? एडवांस टैक्स कैलकुलेटर। देखो, एडवांस टैक्स ना जमा करवाने की वजह से या करेक्टली ना जमा कराने की वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है ना, अननेसेसरीली जब इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है तो एक अच्छा खासा अमाउंट इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट करो, आप एडवांस टैक्स कैलकुलेटर की शीट को यूज करो।